दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल मधु लेट्स डू समथिंग न्यू पर। आज हम एक टेस्टी रेसिपी बनाना सीखेंगे और उसका नाम है पोहा पटेटो सूजी रोल। ये बहुत सिंपल रेसिपी है और इसके साथ हम एक टेस्टी चटनी बनाना भी सीखेंगे और ये बहुत आसानी से बन जाती है और ये सबको बहुत पसंद आती है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं इसकी रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स पोहा पटेटो सूजी रोल बनाने का मेथड। तो मैंने देखिए इसमें मैंने 3 ये वाली कटोरी सूजी ली है और सेम 3 कटोरी मैंने दही लिया है। देखिए ये दही खट्टा नहीं होना चाहिए और रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए, मतलब बिल्कुल चिल्ड नहीं लेना है। और मैं इसमें इसको दही डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी थिकनेस ज्यादा लगे तो देखिए मैं बताती हूँ आपको मिक्स करने के बाद। जैसे अपने इडली बनाते हैं ना फ्रेंड्स सूजी वाली और उसका जो घोल लेते हैं उसी तरीके का हमें बनाना है। अगर ये थोड़ा सा आपको थिक लगे तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए और जो आप खट्टा ही ले रहे हो बिल्कुल मतलब ताजा दही होना चाहिए, खट्टा दही नहीं होना चाहिए। देखिए मैं थोड़ा सा पानी ऐड करती हूँ, मुझे जरूरत होगी तो मैं और ऐड कर लूंगी। देखिए पहले हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, थोड़ी जरूरत और लग रही है। थोड़ा सा हम और ऐड करेंगे पानी। देखिए अब हम इसको 15 मिनट रेस्ट के लिए रखेंगे और अगर ज़्यादा थिक लगा और ज़्यादा गाढ़ा लगा तो इसमें हम पानी ऐड कर लेंगे। अगर इसको थोड़ा सा फूलने के लिए, जैसे कि हमें फूल जाए थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, तो इसके लिए हम इसको रेस्ट के लिए रखेंगे। तो चलिए मैं इसको 15 मिनट रेस्ट के लिए रख देती हूँ और इसके साथ मैं अपना मसाले की तैयारी कर लेती हूँ। मसाले में मैंने 5 आलू बॉईल लिए हैं और हम उसको मैश नहीं करेंगे फ्रेंड्स, उसको हम कद्दूकस करेंगे। इस प्रकार से कद्दूकस करने से आलू में लम्स नहीं रहते हैं और बहुत अच्छे से मैश होता है। तो हम इस प्रकार हमारे सभी आलू को मैश कर लेंगे। मैंने मीडियम साइज़ के 5 आलू लिए हैं और ये मैं 4 लोगों के लिए पूरा मील बना रही हूँ, मतलब पूरा खाने की तरह पेट भर के खा सकते हैं इतना मैं बना रही हूँ। तो आप भी इस रेशो से देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से बनाना है। तो ये देखिए मैं अपने आलू को कद्दूकस कर लेती हूँ। कद्दूकस करने के बाद देखिए मेरे सारे आलू कद्दूकस हो गए हैं। अब मैं आलू के लिए मसाला बनाती हूँ। मसाला बनाने में हमें जो जो सामग्री चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ और तैयारी करते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है। बहुत कम ऑयल में हम इस मसाले को तैयार करेंगे और इस रेसिपी में सिर्फ 2 चम्मच ही तेल लगता है फ्रेंड्स, और नहीं लगता। देखिए मेरा तेल गर्म हो गया, मैंने इसमें जीरा डाल दिया है और मैं 1 चम्मच राई डाल दूंगी। दोनों तड़क जाएंगे फ्रेंड्स, उसके बाद हम जैसे तड़क रहे हैं ब्राउन हो गए हैं तो अब हम इसमें मेरे पास क्रश की हुई चिल्ली है, ये मैं चिल्ली डाल दूंगी, ये लगभग 1 चम्मच के समथिंग है। और अदरक का पेस्ट डाल दूंगी मैंने, ये भी मैंने कद्दूकस किया था, आप चाहे तो पेस्ट बना सकते हैं। और मैं इसमें ऑनियन ऐड कर दूंगी और देखिए ऑनियन ऐड कर दिए हैं मैंने और इसको हम अब मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मैं इनमें शिमला मिर्ची डाल दूंगी, ये मैंने पहले ही चॉप करके रख ली थी और शिमला मिर्ची का फ्लेवर बड़ा टेस्टी लगता है। और ये हम तीनों को इतना पकाना है कि सॉफ्ट हो जाएं और जो हमारी ऑनियन है वो भी सॉफ्ट हो जाए, शिमला मिर्ची भी सॉफ्ट हो जाए, बस इतना हमें पकाना है। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। देखिए ये हमारी लगभग पक गई है, काफ़ी सॉफ्ट हो गई है। और देखिए मैंने इसके लिए बहुत कम ऑयल लिया है, मैंने बहुत ज़्यादा, देखो बिल्कुल ऑयल नहीं दिख रहा होगा आपको, बहुत कम ऑयल में मैं बना रही हूँ इसको। तो मैं सबसे पहले इसमें नमक डाल देती हूँ, नमक टेस्ट के हिसाब से डालेंगे हम, और नमक ऐड हम बाद में भी कर सकते हैं, मसाला बनने के बाद हम उसको टेस्ट करके चेक कर सकते हैं कि उसमें नमक कम है या ज़्यादा है। ये मैं चिल्ली पाउडर डालूँ 1 टेबल स्पून, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं आपको कितना तीखा खाना है।
मैंने ये हल्दी डाल दी है 1 टेबल स्पून, ये मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है, और मैं इसमें थोड़ा सा चाट मसाला भी ऐड करूँगी। थोड़ा सा चाट मसाले का मेरे बेटे को बहुत अच्छा लगता है इसका टेस्ट। और ये मैं हरी धनिया की पत्ती, इस मसाले को अब थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें पोहा ऐड करेंगे। पोहा मैंने पहले ही धोकर साफ रख कर के रख लिया था, ये देखिए कितना सॉफ्ट है। ये मैंने भिगो के धो के साफ़ करके इसका पानी निकाल लिया था, और इसका जो पानी है बिल्कुल हटा दिया था। और ये मैं इसमें इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, और ये आलू को बांधता है थोड़ा, आलू इससे बिखरता नहीं है बिल्कुल भी। ये इसमें हम अच्छे से मैश कर लेंगे, देखिए इस प्रकार हम मैंने इसमें मैश कर लिया है। ये अच्छे से मैश हो जाए, इसके बाद हम इसे आलू डाल देंगे। आलू को भी इसमें अच्छे से मैश कर लेंगे। देखिए मैंने आलू डाल दिए हैं, ये वही आलू है जिनको हमने कद्दूकस किया था। और ये देखिए मैं इसको बिल्कुल कम तेल में मैंने इनको बिल्कुल अच्छे से मैश कर लिया है। मैश करने के बाद फ्रेंड्स हमको इसको ठंडा होने के लिए प्लेट में निकालना है, और उसके बाद हमें इसके रोल बनाने हैं जो मैं आपको बताती हूँ। देखिए अभी ठंडा हो गया, हाथ लगाने से दिक्कत नहीं हो रही। थोड़ा सा मैं हाथों पे ऑयल लगा लूँगी फ्रेंड्स, देखिए, और फिर हम इसके रोल बनाएंगे। रोल हमको लंबाई में बनाने हैं ऐसे। और मैंने पोहा डाला, उसका पोहे का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, और आलू को बांध देता है मतलब अच्छे से। देखिए मेरे को जो रोल बनाने ना, मैं इसको ग्लास में बनाऊंगी, और इसको राउंड शेप में अपन काटेंगे, थोड़ा सा अच्छा सा लुक देंगे। तो जैसे मेरा मैं इस गिलास में बनाऊंगी, तो मुझे इसकी गिलास से थोड़ा सा छोटा लेना है। तो देखिए इस तरीके से हम रोल बना लेंगे। ऐसे मैं 4 रोल बना लूंगी मैं। देखिए इस तरीके से एक और बना लेती हूँ, अब तैयार हो गए। और इनको मैंने टेस्ट कर लिया था, सब कुछ बैलेंस है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं, बहुत टेस्टी बना मसाला, तो अपने रोल भी बहुत अच्छे बनेंगे। देखिए अब हमारा सूजी का घोल देख लेते हैं, ये थोड़ा ठीक हो गया है, रेस्ट में रखा था मैंने इसको। इसको हम थोड़ा पानी मिलाएंगे, थोड़ा सा पतला करेंगे, पानी एक साथ बहुत सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। देखिए मैं बता दूंगी इसकी जो थिकनेस है कितनी लेनी है आपको, कितना इसको पतला करना है। देखिए चम्मच से थोड़ा ऐसे नॉर्मली ऐसे थोड़ा सा गिरे इस तरीके से हमें लेना है। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा पानी की थोड़ी सी कसर हम रखेंगे, जब हम इनो पाउडर डालेंगे ना, थोड़ा सा पानी और देगा, बस ये परफेक्ट है इसकी। देखिए परफेक्ट है, हम जब इडली बनाते ना सूजी की तो इतना ही लेते हैं, तो ये परफेक्ट है। थोड़ा सा मैं उसमें डालूंगी, पानी तब हो जाएगा, तो मैं थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ टेस्ट के हिसाब से। ये मैंने बिल्कुल छोटे चम्मच लिए हैं, आप बड़े चम्मच डाल सकते हैं, मैं मेरे हिसाब से डाल दूँ। और ये इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर देती हूँ, फिर हम इनो डालेंगे। देखिए ये अच्छे से मिक्स हो गया, अब मैं इनो पाउडर, एक पाउच मैंने इनो डाला है, सफिशेंट होता है इतना। और इसको मिक्स करने के लिए थोड़ा सा बबल्स आ जाए, तो मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। देखिए और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए अब मैंने पहले ही बताया था हम इसको गिलास में, देखिए इसमें देखो बबल्स आ गए, फूल गया। अब हम इसको फटाफट डालेंगे, क्योंकि इसको ज्यादा देर रखना चाहिए। मैंने गिलास में ऑयल लगा के रेडी कर लिया है, और मैंने इसको हम फ्रेंड्स हम इसको ना इडली कुकर में ही बनाएंगे। और देखिए थोड़ा थोड़ा हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इन सब गिलासों में थोड़ा थोड़ा ये भर लेंगे। देखिए थोड़ा थोड़ा बिल्कुल 1/4 में सब में डाल लेंगे, फिर उसके बाद हम आलू रोल लगाएंगे इसमें। बहुत अच्छा बनेगा फ्रेंड्स, ट्राई करिएगा। उसमें जो हमने शिमला मिर्च का टेस्ट दिया, बहुत टेस्ट लगता, बहुत अच्छा टेस्ट आया उसका। और हमने जो पोहा डाला ना, पोहा पोटैटो का टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, तो आप जरूर ट्राई करिएगा फ्रेंड, बहुत अच्छा बना है। देखिए अब हम इसमें क्या करेंगे, ये इसे थोड़ा सा हल्का सा पुश कर देंगे। देखिए इस प्रकार से मैं इसको आपको दिखाती हूँ। देखिए
और मैंने वहाँ दूसरी साइड इडली कुकर रखा है, उसको गर्म पानी पे चढ़ा दिया है, क्योंकि दोनों चीजें जरूरी है, क्योंकि इसमें जो इनो रख डाल देते ना फ्रेंड, ज्यादा देर रखना नहीं चाहिए हमें, इनो डालने के तुरंत थोड़ी देर बाद ही हमें यूज कर लेना चाहिए, ज्यादा लंबा रखना नहीं चाहिए। अब हम इसको फिल कर लेंगे अच्छे से, पूरा बहुत ऊपर तक नहीं भरेंगे। देखिए फ्रेंड, ये मैंने इडली पॉट रख दिया है, इसमें पानी मैंने काफी गर्म कर लिया था। अब मैं इसमें ये जाली रख देती हूँ, क्योंकि हमारे गिलास के उसके ऊपर ही आएंगे और ये स्टीम होंगे। ये देखिए मैं अपने गिलासों को ढंग से रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने रख दिए हैं चारों गिलास और मैं इसको ढक देती हूँ। ढकने के बाद मैं इसको 10 मिनट स्टीम लूँगी। 10 मिनट के बाद ये रेडी हो जाएंगे, जैसे हम इडली बनाते हैं वैसे इनको बनाना है। चलिए हम इसके लिए एक अच्छी टेस्टी चटनी तैयार करते हैं। इसके लिए मैंने लहसुन और अदरक के टुकड़े लिए हैं, एक टमाटर लिया है और हरी मिर्ची ली है और साथ में हरा धनिया लिया है, और ये चटनी बहुत टेस्टी बनती है। हमें इसमें एक चम्मच जीरा और टेस्ट के हिसाब से नमक डालना है, ये जीरे का फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है इसके अंदर। तो चलिए हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। देखिए चटनी ग्राइंड हो गई है, रेडी है ये खाने के लिए। अब चलिए हम रोल हमारे जो स्टीम हो रहे हैं उनको चेक कर लेते हैं। देखिए अब हम इसको ओपन कर लेते हैं, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं और देखिए रोल काफ़ी फूल गए हैं, ये तैयार हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, तो चेक करने के लिए हम इसमें चाकू डालेंगे, और ये चाकू बिल्कुल साफ है और ये एकदम क्लीन आए, तो समझ जाइए दोस्तों ये रेडी हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और थोड़ा ठंडा होने के बाद गिलास से बाहर निकालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने नाइफ से थोड़ा सा ढीला कर लिया था इसको, और ये ठंडा होने थोड़ा सा ये इधर से निकल गया आलू। बाकी आप देखिए इस तरीके से मैं चारों निकाल लेती हूँ। अब हम इनको वन बाय वन कट कर लेंगे। देखिए हमारे पोहा पटेटो सूजी रोल कट कर रेडी हैं, हम इसको सर्व कर रहे हैं। आप भी बनाइए, सर्व करिए, बहुत टेस्टी बने हैं, बहुत सिंपल मेथड से बन जाते हैं, कोई हेडक नहीं है। तो आप इन बनाइए और इन्जॉय करिए, ये चटनी बहुत टेस्टी है, इसको भी ज़रूर ट्राई करिएगा। तो मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय फ्रेंड्स।